आज मैं बात करने वाला हूँ अमूल ब्रांड के बनने के बारे में, जिनकी वजह से इस देश में इतनी बड़ी श्वेत क्रांति हुई और आज की डेट में इनके 100 करोड़ से ज्यादा लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं और ये 36 लाख किसानों के मसीहा बने हुए हैं। ये बात 1946 में गुजरात की, जहाँ पे एक कंपनी थी पोलसन, जो कि किसानों से कम दामों में दूध को खरीदा करती थी और ब्रिटिश आर्मी को ऊंचे दामों में बेच दिया करती थी। ये सब देखकर किसान बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उस समय दूध लेने वाली सिर्फ एक ही कंपनी थी। उस समय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे त्रिभुवन दास। वो जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें सहकारिता खोलने का सुझाव देते हैं। 1946 में अमूल की शुरुआत हुई। इस सहकारिता के बनने से बिचौलिए हट गए और किसानों को आमदनी में थोड़ा सुधार हुआ। बाद में वर्गीस कुरियन ने इस सहकारिता को संभाला। इनके आने से कंपनी में बहुत ही ज्यादा बदलाव हुए और इन्होंने पोलसन से टक्कर लेने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को भी हायर कर लिया। 1998 आते थे अमूल ने अपनी सर्विस को बहुत ही ज्यादा बेटर कर दिया और 1998 में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करके भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने अपनी शुरुआत 247 लीटर से किया था, लेकिन आज ये रोज 250 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध इकट्ठा कर लेते हैं। आज पूरे देश में इनके साथ 36 लाख से भी ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं।